नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हो हर वर्ल्ड आई। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक और न्यू हेडफोन की अनबॉक्सिंग इस वीडियो में। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को इस हेडफोन की अनबॉक्सिंग करने की और इसके बारे में जानने के लिए। फ्रेंड्स, पहले मैंने जो बनाया था बोट के पास हेड्स 900, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत ही धन्यवाद। और जहाँ तक ये होता है मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे ज़्यादा मुझसे जो पूछा गया था कि वो बोस बार्ट बास एक्स 900 और जे बी एल का जो C300 है उसको कंपेयर करें, क्योंकि दोनों के प्राइस लगभग सिमिलर सी है, तो दोनों में कौन सा बेस्ट ये हेडफोन्स रहेगा। तो आज मैंने ऑर्डर किया है अमेजन वाले से जे बी एल का C300 और उसे मैं करूँगा एक अनबॉक्सिंग और उसका क्विक रिव्यू। बाद में उसको बोट पास एक्स 900 से इसको कंपेयर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे पास है आज ये जे बी एल का C300 SI मॉडल। ये लगभग आपको अमेजन पे 800 के आसपास मिल जाएगा और अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे और ऑफलाइन मार्केट में ईजिली अवेलेबल है 800 से लेकर 900 की प्राइस रेंज में। तो चलिए जानते हैं इसे कुछ स्पेसिफिकेशन क्या है। बात करें तो इसमें जो फ्रंट में लिखा हुआ है 3.5 mm कनेक्टर है, सेल्फ एडजस्टेबल ईयर कप्स और अल्ट्रा लाइट वेट और JBL साउंड। सो फ्रेंड्स, ये फ्रंट में था और लिखा हुआ C300 SI ऑन ईयर हेडफोन्स। बैक की बात करी जाए तो उसके पहले आते हैं इसके प्राइस की, जो फिर मेंशन है जो प्राइस मेंशन है वो रेफरेंस लगभग 3000 रुपये लिखा हुआ है। और कुछ इसके स्पेक्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ हाई पावर ड्राइवर्स डिलीवर्स JBL साउंड विद बास कैन फील, मतलब सिर्फ JBL का बेस रिफरेंस दिया गया है। और लाइट वेट है इसके, ईयर कप्स एडजस्टेबल हैं, 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड इसकी कनेक्टर है ताकि उसको और एनहेंस हो सके और एडजस्ट करते हैं इसके कप्स वगैरह। इसी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। हाई पावर मैग्नेटिक ड्राइवर्स दिए गए हैं जो कि 20 Hz से 20 kHz तक के डायनेमिक फ्रीक्वेंसी रेंज को सपोर्ट करते हैं। 32 ohms की इसकी इम्पीडेंस है। तो टाइम वेस्ट में करते हुए हम इस हेडफोन को चेक करते हैं और इसे अनबॉक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने अनबॉक्स कर दिया है इस हेडफोन्स को। अब इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ऊपर जो है यहाँ पे आपको एक रबर की, लेदर रबर की ग्रिप दी गई है जो कि काफ़ी क्लासी लग रही है और काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट है। नीचे भी यहाँ पे आपको इसमें वही पफनेस मिलती है लेदर की के अंदर। और बात की जाए तो यहाँ पर ये एडजस्टेबल है और इस साइड भी एडजस्टेबल है अगर आपका सर बड़ा है तो आपने। और ये भी कप्स भी इसके फोल्ड हो रहे हैं पर पूरे फोल्ड नहीं हो रहे हैं, जैसे कि बोर्ड्स में बेंड हो जाते थे, इसमें पूरे बेंड नहीं हो रहे हैं। ये कप्स हैं और हल्का सा ये एडजस्टेबल हो पाएंगे। और बात कर लेते हैं इसके कुशन पफ्स की, तो कुशन पफ्स ठीक है, अच्छे हैं कुशन। इसमें अगर बहुत देर तक का म्यूज़िक लिसन करेंगे तो आपके कान में कम पेन होगा और म्यूज़िक या फिर आप मूवीज़ को ज़्यादा देर तक एंजॉय कर पाएंगे। इधर दिया गया है JBL ब्रांडिंग और राइट, और इधर दिया गया है JBL ब्रांडिंग और लेफ्ट। यहाँ पर वायर दी गई है, वायर की क्वालिटी ठीक है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दी गई है इस प्राइस में। यह है 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड जैक जैसा कि आप देख रहे हो, और लगभग ये 1.5 मीटर या 1 मीटर के आसपास इसमें वायर दी गई है। मैं इसको खोल के देख लेता हूँ कि ये वायर कितनी दी गई है।
देखा जाए तो लगभग ये 1 मीटर से भी कम है, मतलब मान के चलिए आप 800 मीटर या 900 मीटर के आसपास की इसमें जो ये वायर है वो दी गई है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक है, हालांकि है ये प्लास्टिक, यहाँ सब प्लास्टिक है, ऊपर से नीचे एवरीथिंग इज प्लास्टिक, ये जो इसका पिन है वो भी प्लास्टिक है। वायर की क्वालिटी भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू बोट, बोट में वायर क्वालिटी अच्छी मिलती थी, पिन आपको जो था वो स्टेनलेस स्टील का मिल जाता था, बाकी सब उसमें प्लास्टिक का था। क्वेश्चन पास भी इसमें थोड़ा अच्छे थे, हालांकि इसमें भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स चेक आउट द म्यूज़िक, म्यूज़िक चेक करने के लिए इसको चेक करेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है, इसमें बेस कैसा आता है। सो हम इसको एक नॉर्मल फ़ोन से, मतलब की पैड वाले फ़ोन से चेक करेंगे, क्योंकि उसमें ही सबसे अच्छा ऑडियो आउटपुट पता चल पाएगा कि ये कितना ज़्यादा एक नॉर्मल फ़ोन से कितना ज़्यादा आउटपुट दे पा रहा है स्पीकरों से। बाद में इसको हम दूसरे बड़े फ़ोन से भी चेक करेंगे। बाकी ये लाइट वेट तो है। सो फ्रेंड्स चलो देखते हैं पहन के इसको। ये है कि बोट में काफ़ी थोड़ा सा आपका जो सर के ऊपर लगता था काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता था, इसमें ये एकदम इसमें ग्रिप कस के पकड़ लिया है। फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ी बात जो कि है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि पबजी की, फ्रेंड्स इससे आप पबजी नहीं खेल सकते, इसमें आप पबजी की ऑडियो क्वालिटी तो सुन सकते हो बट इसमें कोई माइक्रोफोन इनबिल्ट नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कॉलिंग या फिर किसी भी टाइप की गेमिंग इसमें रिक्वायरमेंट हो माइक्रोफोन की वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें माइक्रोफोन इनबिल्ट नहीं है जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और बोट में इसी प्राइस रेंज आपको एक्सेलेंट माइक क्वालिटी भी मिल जाती थी, जिसमें कि आप पबजी वगैरह और कॉलिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते थे, पर इसमें वो चीज़ मिस है। तो हाँ, वन थम्स डाउन फॉर दिस। अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, और चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड्स हम इसको अभी की पैड के फ़ोन से चेक करेंगे, वो ये है, इसको मैं लगा लेता हूँ और म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर लेता हूँ। और हाँ फ्रेंड मैंने म्यूज़िक लगा लिया है, तो मैं इसे फुल वॉल्यूम पर सुन रहा हूँ। और एक नॉर्मल फ़ोन के आउटपुट में काफ़ी अच्छा आउटपुट दे रहा है, ट्रिबल्स बहुत शार्प और सही एक्यूरेट हैं, वोकल्स बहुत क्रिस्प और क्लियर है, बेस बहुत सही है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बेस की, आपके कान में जो थम्पिंग इफेक्ट आए वैसी नहीं है जैसे बोट में थम्पिंग इफेक्ट आती थी। अब हाँ एक्वलाइजर से ट्यून करें तो आपको थम्पिंग इफेक्ट ज़रूर मिलेगा। वैसे म्यूज़िक की क्लियरिटी बहुत अच्छी है, मतलब जैसे ब्रांड्स में मिलती है आपको उस हिसाब से म्यूज़िक के लिए थम्स अप है। तो बात करूँ उसकी ऑडियो क्वालिटी की, ऑडियो क्वालिटी हेडफोन्स की बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें जो आपके मिड्स और हाईज हैं बहुत इक्वल टोन्ड होके आते हैं, और जो बेस है वो भी कान में चुभता नहीं है, वो बहुत बल्कि सा बेस नहीं है कि आपके कान को हिला रहा हो, तो थम्पिंग बेस टाइप का इफेक्ट नहीं है कि ये निकल रहा हो। हाँ बट अगर इसको मैं इक्वलाइजर ट्यून करता हूँ तो बहुत ज़्यादा ये थम्पिंग बेस प्रोवाइड कर देगा, और अगर मैं इसे बड़े फ़ोन मतलब एंड्रॉयड फ़ोन्स में चलाऊँ या पीसी में यूज़ करूँ तो इसमें थम्पिंग बेस के इफेक्ट आएंगे। अभी मैं जनरली एक छोटे फ़ोन से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें अभी बेस इफेक्ट आ रही है, ऐसा नहीं बेस इफेक्ट नहीं है, पर वो थम्पिंग इफेक्ट जैसा नहीं है, तो मैं उसको थम्पिंग इफेक्ट दे सकता हूँ। और मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जल्दी मैं इसको कंपेयर करूँगा पूरे डिटेल वाइज बोट के बेस 900 से। तो ये थी इस हेडफोन की छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई आपका सजेशन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लिए जय हिंद।